ओम शांति। हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, और पढ़ाई भी कितनी श्रेष्ठ और कितनी सहज, और लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना। कभी सोचा भी नहीं था कि हम भी कोई मनुष्य से देवता बनेंगे। इतना ही नहीं, देव युग के मालिक बनेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे, विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आ जाएगी। कभी सुनते थे कि फलाने ऋषि ने या राजा ने देव पद, इंद्र पद पाने के लिए, इंद्र की राजाई पाने के लिए, सत्य का सिंहासन पाने के लिए घोर तपस्या की। इंद्र परेशान हो गए तो विघ्न डालने लगे, लेकिन वो व्यक्ति सफल हो गया। तो हम सभी भी अब तपस्या कर रहे हैं मनुष्य से महान देवता बनने की। महान संपदा के हम मालिक होंगे, जहाँ कोई चिंता नहीं होगी, जहाँ ये मनोविकार नहीं होंगे, जहाँ दुख रोग शोक नहीं होंगे, जहाँ पढ़ाई का कोई बर्डन नहीं होगा। सोच लें, आज अपने एक छोटे से परिवार की पालना करने के लिए मनुष्य कितने घंटे रोज मेहनत करता है। बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ लें, वो उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, कितनी मेहनत करते हैं, और उसमें टेंशन कितनी है। वो भी नौकरी मिलती है, एक छोटे से परिवार की पालना होती है, एक छोटा सा घर मिल जाता है, और सोचो हमें क्या मिल रहा है। दो युग के लिए महान भाग्य, सत्ययुग और त्रेता युग कुछ भी कमाना नहीं पड़ेगा, और द्वापर युग भी सब कुछ सहज प्राप्त होता रहेगा। ऐसे महान भाग्य को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसमें कोई कमाई की चिंता नहीं, जहाँ कोई समस्या नहीं, जहाँ कोई नौकरी और टेंशन नहीं होगा, केवल संगम युग का भाग्य हम खाते रहेंगे। तो हमें मनुष्य से देवता बनना है। ध्यान दें, हमारे संस्कार भी बहुत रॉयल हो जाने चाहिए, बड़े सॉफ्ट हो जाने चाहिए। मांगने के संस्कार देव संस्कार नहीं है, बुरे वचन बोलने के संस्कार, कटु वचन बोल के दूसरों को पीड़ा देने के संस्कार, ईगो से प्रेरित संस्कार, बात बात में क्रोध करने के संस्कार, ये देव संस्कार नहीं है। हमें रॉयल बनना है। हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे भी हैं, और देवयुग की महान आत्माएं भी हैं, और पुनः हमें मनुष्य से देवता बनना है। ये लक्ष्य अपना कायम रख लें, और अपना एक चित्र बनाया करेंगे। जब हम देवता थे या जब हम देवता होंगे, तो हम ऐसे होंगे, हम चलेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे, हम बोलेंगे कैसे, हम सुनेंगे कैसे, हम खाएंगे कैसे, सोएंगे कैसे, इन सब में बहुत रॉयल्टी होगी। चेहरों पर कितना तेज होगा, कोई टेंशन की रेखा नहीं, कोई सिकुड़न नहीं, कोई उदासीनता नहीं, रॉयल चेहरा, रॉयल संस्कार। तो अपने उन संस्कारों को सामने रखकर हम अपने वर्तमान संस्कारों को भी बहुत रॉयल बनाएंगे। हम जैसा रॉयल तो चारों युगों में कोई होता ही नहीं। पूज्य जब हम बनते हैं, तब भी सोचो कितने रॉयल हैं हम। तो आज सारा दिन हम अपने देव स्वरूप को और अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, जो दोनों ही बहुत रॉयल हैं। हम देखेंगे एक ओर हमारा देव स्वरूप स्थित है, तो दूसरी ओर हमारा पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में आप कोई भी अपना स्वरूप चुन लें, एक स्वरूप अपना फिक्स कर लें, ये मेरा पूज्य स्वरूप है, और बार बार उसका अभ्यास करें। तो कभी मैं अपने देव स्वरूप बहुत रॉयल अपने को चलता हुआ देखें, कैसे हम बोल रहे हैं उसकी विजन बनाएं, कैसे हम व्यवहार कर रहे हैं उसकी विजन बनाएं। दूसरी ओर हमारा पूज्य स्वरूप, चाहे विघ्न विनाशक गणेश, चाहे
महाविष्णु से सैया पर विराजमान विष्णु, चाहे महावीर चाहे और कोई जो आपको प्रिय हो उसे अपने सामने रखें। और जैसे हमारा वो स्वरूप, दोनों स्वरूप हमें देखकर मुस्करा रहे हैं और याद दिला रहे हैं मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूँ, ऐसे अपने पूज्य स्वरूप और देव स्वरूप की सारे दिन प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।